दोस्तों आज के वीडियो में छह ऐसे टॉनिक के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ जो कि आप किसी भी फसल में बेझिझक इस्तेमाल कर सकते हैं फसल स्वस्थ हरी भरी रहेगी फसल का ऑल ओवर डेवलप होगा यानी जड़ों का विकास होगा तने का विकास होगा ज़्यादा शाखाएं निकलेंगी ज़्यादा मात्रा में फ्लावर्स आएंगे फ्लावर ड्रॉपिंग की समस्या नहीं आएगी और साथ ही इन प्रोडक्ट की प्राइस डोज क्या है संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में कवर करूंगा अगर आप सब्जी वर्गीय खेती कर रहे हैं बागवानी आपके पास है या फूलों की खेती कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है बिना स्किप किए कंप्लीट ज़रूर देखना है नमस्कार दोस्तों मैं हूं अमन चौधरी आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल इंडियन फार्मर्स दोस्तों वीडियो शुरू होने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे सारे लेटेस्ट अपडेट आप तक फटाफट पहुंचते रहें तो सबसे पहले दोस्तों आधुनिक क्रॉप केयर का चमत्कार के टोनिक के बारे में डिस्कस करूंगा जो कि फर्टिलाइज़र मिक्सर एंड मिनरल्स का कॉम्बिनेशन आता है इसमें कंटेंट आता है एनिमल फर्टिलाइज़र वेजिटेबल फर्टिलाइज़र और मिनरल्स का कॉम्बिनेसन आता है सभी प्रकार की फसलों में सब्जी वर्गीय फसलें हैं या फिर बागवानी में जैसे अनार है मौसम्बी है किन्नू संतरा वगैरह हैं किसी भी टाइप के प्लांट्स है उनमें इस्तेमाल कर सकते हैं कपास में अगर ज़्यादा फ्लावर नहीं आ रहे हैं मूंगफली की खेती अगर मूंगफली की फसल की अगर ग्रोथ नहीं हो रही है या फिर फ्लावर ज़्यादा नहीं आ रहे हैं तो आप उनमें इस्तेमाल कर सकते हैं यानी कि किसी भी प्रकार की फ़सल हो बेझिझक इसका इस्तेमाल कर सकते हैं इससे बेनिफिट क्या होता है फसल का ऑल ओवर डेवलप होता है यानी कि जड़ों का विकास तने का विकास होता है ज़्यादा मात्रा में फ्लोवर्स आते हैं और किसी भी रीजन से अगर फसल स्ट्रेस में है या अड़सा रही है या प्रॉपर ग्रोथ हो नहीं हो रही है तो उसमें हेल्प करता है उसके साथ ही न्यूट्रीशन की सभी प्रकार के न्यूट्रीशन की पूर्ति करता है और एक लीटर की बोतल पे एमआरपी है आठ सौ पचास रुपये और दोस्तों आपके एरिया में कितने में ये अवेलेबल हो जाती है ये आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं क्योंकि एम से ज़्यादा प्राइस कोई ले नहीं सकता तो इसकी एक लीटर की बोतल पे आठ सौ पचास रुपये एम है और इसकी परफेक्ट डोज है एक से डेढ़ एम पर लीटर के हिसाब से गोल तैयार करके इस्प्रे करें एकड़ के लिए दो से तीन सौ चमत्कार को दो लीटर पानी में मिक्स करके इस्प्रे करें और सेकेंड प्रोडक्ट है यू का गैनेक्सा जो कि बहुत ही अच्छा है ज़्यादा मात्रा में फ्लॉवर्स लेने के लिए इसमें और एसिड है जो कि बायोएक्टिव सिलिकॉन की एक पेटेंट फॉर्मूलेशन टेक्नोलॉजी है यह इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि फसल को स्ट्रेस से तो निकालता ही है और सारे न्यूट्रिशन की पूर्ति करता है उसके साथ साथ ही यह फंगिसाइड और इंसेक्टिसाइड का भी काम करता है तो ये इसका थोड़ा सा ज़्यादा एक्स्ट्रा बेनिफिट फसलों में देखने को मिलता है और इसकी एक लीटर की बोतल पे प्राइस है पंद्रह सौ रुपये एम है कितने में ये आपके एरिया में अवेलेबल होता है ये आप कमेंट करके ज़रूर बताएं इसकी परफेक्ट डोज है दो एम पर लीटर के हिसाब से घोल तैयार करके स्प्रे करें और एकड़ के लिए 400 से 500 सौ एम एल लीटर पानी में मिक्स करके स्प्रे करें और ज़्यादा मात्रा में फ्लावरिंग के लिए फसल की अच्छी डेवलप के लिए थर्ड नंबर पे बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है वो है धनजाइम गोल्ड जो कि धानों का एग्रोटेक का आता है लिक्विड फॉम वाला आप यूज़ करें ये सीविड एक्सट्यूड होता है इसमें ऑक्जिन साइटोकाइनिन प्रोटीन्स एंजाइम्स जिब्रेलिन एमिनो एसिड और बहुत सारे इसमें न्यूट्रिएंट होते हैं ये भी फसल और पौधों के ऑल ओवर डेवलपमेंट में हेल्प करता है जड़ों का विकास होता है ज़्यादा मात्रा में शाखाएँ निकलती हैं ज़्यादा मात्रा में फ्लोवर्स आते हैं इससे भी अगर फसल तनाव में है तो तनाव को कम करता है फसल स्वस्थ और हरी भरी बनाए रखता है उसके साथ ही अगर किसी भी टाइप की डिजीज़ है या फिर इंसेक्ट का प्रकोप है तो उनके प्रति भी प्रतिरोधक क्षमताएं ये बढ़ाता है इसके ढाई सौ की प्राइस है एम है दोस्तों तीन सौ तीन रुपये है और ये भी कितने में अवेलेबल होता है आपके एरिया में आप कमेंट करके ज़रूर बताएं इसकी परफेक्ट डोज है एक एम पर लीटर के हिसाब से घोल तैयार करके इस्प्रे करें एकड़ के लिए दो से ढाई सौ 200 लीटर पानी में आप मिक्स करके स्प्रे करेंगे नेक्स्ट दो जो बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है वो भी धनु का एग्रोटेक का है धनवर्षा सिक्स इन वन नाम से जो आता है इसको आप यूज करें इसमें भी ऑर्गेनिक बायो न्यूट्रिएंट आते हैं जिसमें पेप्टाइल्स एमिनो एसिड्स बायो कॉम्प्लेक्स न्यूट्रिएंट्स ये इसमें होते हैं इससे भी ज़्यादा मात्रा में फ्लावर्स आते हैं और फ्लावर ड्रॉपिंग की समस्या नहीं आती है अक्सर किसान बहुत ज़्यादा कमेंट्स करते हैं कि फ्लावर ड्रॉपिंग की समस्या आ रही है तो उस सिचुएशन में आप सिक्स इन वन का इस्तेमाल ज़रूर करें और इसकी प्राइस है ढाई सौ एम की बोतल पे एम आर पी चार सौ पैंतालीस रुपये है और ये भी आपके एरिया में कितने में अवेलेबल होता है जब भी आप परचेज़ करें कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं इसकी परफेक्ट डोज है दो एम पर लीटर के हिसाब से घोल तैयार करके फसलों में स्प्रे करेंगे एक एकड़ के लिए 400 सौ 200 लीटर पानी में मिक्स करके स्प्रे करेंगे और फिफ्थ नंबर पे दोस्तों बायोविटा है जो कि सभी किसान अक्सर कभी न कभी किया होगा इसका रिज़ल्ट देखा होगा बहुत ही अच्छा रिजल्ट इसका देखने को मिलता है बिया इंडस्ट्रीज का बायोबिटा नाम से आता है और नेचुरल सीविड एक्सट्यूड होता है एस्कोजाइलम नूडोसम समुद्री घास से बना हुआ ये होता है सभी प्रकार के न्यूट्रिशन की पूर्ति करता है न्यूट्रिशन की बात की जाए तो जैसे कि सल्फ़र है मैग्नीशियम कैल्शियम बोरोन आयरन मैगनीज कॉपर जिंक सभी प्रकार के न्यूट्रिशन की पूर्ति करता है फसल की बढ़वार नहीं हो रही है बढ़वार होती है ज़्यादा मात्रा में शाखाएँ निकलती है फ्लोवर्स ज़्यादा मात्रा में आते हैं और इसकी प्राइस की बात की जाए तो एक लीटर की बोतल पे एम आर पी नौ और जब भी आप परचेज़ करें कितने में आप परचेज़ करेंगे कमेंट करके ज़रूर बताएँ इसकी परफेक्ट डोज है दो एम पर लीटर के हिसाब से घोल तैयार करके स्प्रे करें 400 सौ को 200 लीटर पानी में मिक्स करके एक एकड़ के लिए यूज करें स्प्रे करेंगे और सिक्स नंबर पे बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है वो है दोस्तों इफ्को की सागरी का जो लगभग सभी किसान इसके बारे में जानते हैं ये भी लिक्विड फॉर्म में आती है उसको आपको यूज करना है नेचुरल सीविड एक्सट्रेस में आता है समुद्री सेवाल का अर्क इसमें आता है प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट विटामिन ये सब इसमें आते हैं बहुत सारे न्यूट्रिशन की पूर्ति करता है और इसके किसी भी प्रकार की फसल में बेजिजक इस्तेमाल कर सकते हैं जैसे सब्जी वर्गीय फसलें हैं टमाटर मिर्च बैंगन भिंडी लौकी तोरई करेला सब में बेजिजक इस्तेमाल कर सकते हैं उसके साथ ही बागवानी में आप इस्तेमाल कर सकते हैं फूलों की खेती में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं इसका कोई साइड इफेक्ट फसलों में देखने को नहीं मिलता है इसे रेस्ट डेवलप होती है ऑल ओवर डेवलपमेंट में हेल्प करता है यानी ज़्यादा शाखाएँ निकलती हैं और फसल की अच्छी ग्रोथ होती है ग्रोथ के साथ साथ ज़्यादा मात्रा में फल फूल लगते हैं फसल की अच्छी उपज और गुणवत्ता वाली फसल के लिए ईफ्को की सागरिका को जरूर इस्तेमाल करना चाहिए और इसकी परफेक्ट डोज है एक एकड़ के लिए 200 सौ को 200 लीटर पानी में मिक्स करके स्प्रे करेंगे दोस्तों ये जो सारे प्रोडक्ट मैंने बताए हैं सिक्स प्रोडक्ट हैं इनको आप फसल की फ्लोरिंग स्टेज से जस्ट पहले आप यूज करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देखने को मिल जाता है ज़्यादा मात्रा में फ्लावर्स वगैरह आते हैं और अगर आप सेकेंड स्प्रे करना चाह रहे हैं का तो फिर कम से कम पंद्रह दिन का गैप जरूर रखेंगे अगर दोस्तों किसी भी फसल की बटवार बहुत ज़्यादा हो रही है और ज़्यादा बटवार की वजह से फ्लावर्स नहीं आ रहे हैं या फ्लावर ड्रॉपिंग की समस्या आ रही है ज़्यादा बटवार की वजह से तो कौन सी फसल में नहीं आ रही है उसको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं ये मेरा नेक्स्ट वीडियो आएगा इसी वीडियो में कवर करूँगा तो बहुत ज़्यादा लंबा टॉपिक हो जाएगा इसलिए नेक्स्ट वीडियो में आप मेरा ज़रूर देखें जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा किसान दोस्तों तक शेयर ज़रूर करें धन्यवाद